वेलकम आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में 12th इंग्लिश मीडियम का नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। नेक्स्ट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल जो सरफेसेस है उनकी हम कैलकुलेशन करेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमने कल देखा कि ऐसा सरफेस जिस पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है जितने भी पॉइंट लेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, फॉर एग्जांपल जैसे आपका कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के सभी जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी पॉइंटों पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, उसी सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ही हमने कल पढ़ लिया था, आज हम पढ़ रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी, जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल सरफेस की, कि ये हमारे पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू है किसी भी पॉइंट पर, अगर अपन बात करें तो किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो सभी जगह सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन यहां देखें तो भी पोटेंशियल सेम है, यहां देखें तो भी पोटेंशियल सेम है, यहां देखें तो भी पोटेंशियल है सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इस पॉइंट को ए ले, इसको बी और इसको सी, तो ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी वो क्या होगा बेटा, जीरो। क्लियर, क्योंकि यहां पर भी पोटेंशियल वी है, यहां पर भी पोटेंशियल वी है, तो वी माइनस वी क्या हो जाएगा, जीरो। तो बी और सी की बात करें तो भी जीरो, ए और सी की बात करें तो भी जीरो। इसका मतलब इस जो कंप्लीट सरफेस है, इस सरफेस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो क्या है, सेम। जब पोटेंशियल की वैल्यू सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, सेम। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट आपके पास है वर्क डन। जो वर्क डन है, वर्क डन जो है उसकी वैल्यू जीरो होगी। वर्क डन जीरो क्यों होगा, देखिए किसी भी चार्ज को इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी चार्ज को, मान लीजिए चार्ज है इसको इस पॉइंट ए से और यहां तक लेके जा रहे हैं बी तक, तो ए से बी तक ले जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो है, तो पोटेंशियल जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, अरे पढ़ा है अपन ने। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो इसकी वैल्यू जीरो रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो। सो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो जीरो मल्टीप्लाई क्यू नॉट, इट मीन्स जीरो। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी पॉइंट पर, एक पॉइंट पर किसी चार्ज को दूसरे पॉइंट पर लेके जाते, किसी भी पॉइंट पर चार्ज को लेके जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने की वजह से वर्क डन जो है वो भी क्या होगा, जीरो। क्लियर, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस में, देखिए अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन की बात करें तो जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके सरफेस एरिया, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड पॉइंट की बात कर रहे थे अपन, थर्ड पॉइंट है ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस कैसे रहेगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर रहेगा किसके, डीआर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर होंगी किसके, जो ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो एरिया है उसके। ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल की थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ देखते हैं, और जो प्रॉपर्टी आपकी उसको ध्यान से समझते हैं। देखिए तीनों प्रॉपर्टी आपको ध्यान से क्लियर होनी चाहिए। चौथा जो हमारे पास है वो ये है कि इक्विपोटेंशियल जो सरफेसेस है, मैं इसको रफ कर देता हूं, आपने उतार लिया होगा, समझ में आ रहा है ना। चौथी जो प्रॉपर्टी है उसको देखिए कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, फोर्थ प्रॉपर्टी यहां लिख देता हूं, इक्विपोटेंशियल जो सरफेसेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है डू नॉट इंटरसेक्ट, डू नॉट
इंटरसेप्ट, ठीक है, यानी कि इक्वल पोटेंशियल सरफेस जो है वो कट नहीं करेंगे एक दूसरे को, जैसे अगर अपन कट करवाएं तो ये कट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे उसका रीजन देखिए, कि इक्वल पोटेंशियल सरफेस अगर एक दूसरे को कट करेंगे तो कट करने से क्या होगा, जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो पोटेंशियल की वैल्यू हमें कटिंग पॉइंट पर जो वैल्यू, वो टू वैल्यूज अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज प्राप्त होंगी मिलेगी, तो वो जो डिफरेंट वैल्यू मिल रही है पोटेंशियल की वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इक्वल जो पोटेंशियल सर्फेसेज है वो कभी भी कट नहीं करेंगे, ठीक है। क्या होगा उससे, जो पोटेंशियल विल हैव टू वैल्यूज जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ जो पॉइंट है वो देखते हैं अपन, फिफ्थ पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट था बेटा, फिफ्थ जो पॉइंट है उसको ध्यान से समझेंगे। जो एक आपके पास कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, सरफेस कंडक्टर है, तो वो ऑलवेज एक कोई ना कोई पोटेंशियल रखता है, तो पोटेंशियल रखेगा तो जो उस सरफेस जो भी आपका इक्वल पोटेंशियल है उस इक्वल पोटेंशियल जो उसका जो कंप्लीट सरफेस है उसमें जितना आपके पास पोटेंशियल होगा उतना ही अगर अलग अलग सरफेस उतने उसी इक्वल पोटेंशियल के अलग अलग सरफेस बना के कोई वॉल्यूम बनाए हो तो उस वॉल्यूम का भी जो आपके पास पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब सरफेस में जो पोटेंशियल रहता है इक्वल पोटेंशियल का वही उसके वॉल्यूम में रहता है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट इसका ये है इक्वल पोटेंशियल सरफेस का लास्ट पॉइंट है, प्रॉपर्टीज का लास्ट पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास स्ट्रांग है इक्वल पोटेंशियल सरफेस में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो वहां पर क्या होगा कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होने की वजह से जो आपके पास अगर हम बात करें पोटेंशियल की तो वो पोटेंशियल जो है वो वीक होगा, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वीक है किसी भी इक्वल पोटेंशियल सरफेस पे तो वहां पर जो आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या होगी, वो होगी आपके पास स्ट्रांग, ठीक है। तो इस तरह से छह प्रॉपर्टी हैं, मैं आपको नोट्स भेज रहा जो भेजेंगे उसमें आप अच्छे से उसको पढ़ लेना, ये मैंने आपको थोड़ा सा इसकी थ्योरेटिकल पार्ट था ये मैंने इसको बता दिया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।